नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं, जिनमें इस समय महर्षि विश्वामित्र की कथा चल रही है। गुरु वशिष्ठ की नंदिनी गाय ने जब विश्वामित्र की समस्त सेना के साथ अत्यंत सुंदर रूप से आगता स्वागता की, तो उस गाय की महिमा को जान के विश्वामित्र वशिष्ठ से ये कहते हैं, ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, ये गाय मुझे दे दो। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भाई मेरे पास और कोई साधन नहीं है, मेरी जो भी सिद्धियां हैं, मेरे जो भी क्रियाकलाप होते हैं या मुझे जो भी करना होता है, इस नंदिनी गाय से ही हमारी सारी अपेक्षाएं पूरी होती हैं, इसलिए इसको आप ले जाएं, ये योग्य नहीं है। पर एक तो परम प्रतापी क्षत्रिय और उस पे राजा, इतनी बड़ी सेना उसके पास। विश्वामित्र कहते हैं भाई आप सीधे सीधे गाय हमें दे दो, नहीं तो हमें उंगली टेढ़ी करनी आती है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भाई आपकी इच्छा है, गाय तो नहीं मिलेगी। सोचिए, ये होती है तपस्या की शक्ति और ये होता है सत्य का बल। सामने विश्वामित्र जैसा परम प्रतापी राजा, जिसको सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है, वो जब गुरु वशिष्ठ से ये कहे कि ये गाय मुझे दे दो सीधे सीधे, नहीं तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है, उस समय महर्षि वशिष्ठ धीरे से मुस्कुराते हुए ये कहें कि ठीक है भाई, आपको जो योग्य लगे आप करो, ये गाय तो आपको नहीं देने वाले। फिर क्या था, विश्वामित्र का क्रोध सातवें आसमान पे। उन्होंने सैनिकों से कहा खोल लो खूंटे से गाय को, गाय हमारे साथ चलेगी। लेकिन विश्वामित्र ये भूल गए, जो गाय तुम्हारे सैनिकों की सेवा के लिए दो दो सेवक उत्पन्न कर सकती है, वो गाय उन सैनिकों से युद्ध करने के लिए क्या दो दो सैनिक नहीं उत्पन्न कर सकती है? और वही हुआ, संपूर्ण विश्वामित्र की सेना वही नष्ट हो गई। नंदिनी गाय के सींग से निकले हुए सैनिकों ने उनका विनाश कर दिया। अब तो विश्वामित्र का क्रोध पराकाष्ठा पे पहुंच गया और उन्होंने अपने शस्त्र निकाल लिए और उन्होंने सीधा गुरु वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजे की बांसुरी। गुरु वशिष्ठ ही नहीं रहेंगे तो ये गाय हम अपने आराम से लेके चले जाएंगे अपने साथ। गुरु वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं, उन्हें और किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं है, उनके पास ब्रह्मदंड है। जब गाधीसुत विश्वामित्र एक के बाद एक शस्त्र का प्रयोग करते हैं तो गुरु वशिष्ठ कुछ भी किए बगैर मात्र उनके शस्त्रों के सम्मुख अपना ब्रह्मदंड ऐसे खड़ा कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जितने भी शस्त्रों का प्रयोग विश्वामित्र करते हैं सारे शस्त्र निष्फल हो जाते हैं, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी निष्फल हो जाता है, नारायणास्त्र भी निष्फल हो जाता है। ये नारायणास्त्र क्या है, इसकी कथा हम आपको महाभारत की कथाओं में आएगा तब सुनाएंगे। सारे शस्त्र गुरु वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने निष्फल हो जाते हैं। अब तो विश्वामित्र की स्थिति
बहुत ही दयनीय है, वो सोच में पड़ जाते हैं ऐसा ये क्या है जिसके सामने मेरे कोई शस्त्र काम नहीं करते हैं। और फिर वो गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि महाराज मुझे बताइए आपके दंड में ऐसी क्या शक्ति है जिसके सम्मुख मेरे सारे दिव्यास्त्र निष्फल हो गए। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं ये ब्रह्मर्षि के ब्रह्म दंड की शक्ति है। जो कभी किसी पे क्रोधित नहीं होता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मर्षि बनने के योग्य होता है। जो ब्राह्मण हो और ऋषि के धर्म का पालन करे उसको ब्रह्मर्षि कहा जाता है। और उसके दंड में वो शक्तियां हैं विश्वामित्र जिसके सामने तुम्हारे तो क्या किसी भी शक्ति के कोई भी शस्त्र काम नहीं करते। इतना सुनना था कि विश्वामित्र का सारा अभिमान तो चूर हो ही चुका था। वो ये निश्चय करते हैं कि तो फिर मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। उनके निश्चय का क्या हुआ सुनते रहिए इस कथा को अगले वीडियो में, इससे आगे की कथा सुनेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।